सोमवार से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र, वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर एक बार फिर सदन में सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा धांधली को लेकर हुए कई खुलासे, 3000 छात्रों को मिला गलत पेपर, 23 जुलाई को भी जारी रहेगी सुनवाई। नीट मामले पर अखिलेश ने भी किया वार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाए आरोप, कहा जब तक आप शिक्षा मंत्री हैं तब तक नहीं मिल सकता छात्रों को न्याय। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, नेम प्लेट वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सहित एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को लेकर हटी रोक, 58 साल पहले लगा था प्रतिबंध, जयराम रमेश का पलटवार, कहा निकर में नजर आएगी नौकरशाही। बासुरी स्वराज के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने याचिका में गिनवाई गलतियां, फिर से याचिका दायर करने का दिया आदेश, भारती ने स्वराज की लोकसभा जीत के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। बिहार को केंद्र से नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया जवाब, बोले स्पेशल स्टेटस की क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं, मंत्री के बयान से मामले ने पकड़ा तूल। राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बयान पर भड़के लालू, नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, कहा नीतीश ने किया था वादा लेकिन नहीं दिलवा पाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र को मिली जमानत, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष, 2021 में 4 किसानों की जान लेने के मामले में है आरोपी। केशव मौर्य को 100 विधायक लाकर सरकार बनाने वाले ट्वीट पर अखिलेश का बयान, कहा सावन में चलेगा मॉनसून ऑफर, फिर सर्दियों में आएगा विंटर ऑफर। श्रीलंका दौरे से पहले हेड कोच गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर का बयान, कहा फिटनेस की वजह से हार्दिक को T20 की कप्तानी नहीं, बोले 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं कोहली और रोहित शर्मा। राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हुए जो बाइडेन, कमला हैरिस को दिया समर्थन, ट्रंप का बयान, अगर कमला लड़ी तो हमारे लिए जीतना होगा आसान। शेयर बाजार में गिरावट, 102 अंकों की गिरावट के साथ 80,502 पर क्लोज हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 21 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,509 पर बंद हुआ निफ्टी। उमर खालिद की सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया अलग, जज अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से किया अलग, जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं उमर खालिद, 2020 में यूएपीए के तहत हुए थे गिरफ्तार। फिल्म कल्कि पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भेजा नोटिस, संतों को राक्षस के रूप में दिखाने का लगाया आरोप।